जो आज की हम लोगों की टॉपिक होगी वो है मोलालता। अंग्रेजी में इसको मोलालिटी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें काम आपको ये करना है कि इसका सूत्र या फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है। तो मोलालता का फार्मूला होता है मोलालता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि अपान में जो है वो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है। अब इस फार्मूले को यदि ये फार्मूला याद है तो हम इसको शब्दों में बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना जो विलायक का द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। यदि हम लोग फार्मूले में विलायक के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम रखें तो फार्मूला ऐसे हो जाएगा मोलालता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान मन। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोलालता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। अब इस बेस पे हम लोग देखो मोलालता को क्या लिखेंगे, हम लोग मोलालता को लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, विलीन का अर्थ होता हुआ होता है घुले हुए। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। आगे हमको क्या ध्यान रखना है, मोलालता को एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको मोलल पढ़ेंगे। तो यदि हम चाहें तो उसके यूनिट के जगह पे स्मॉल एम लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं उसको आगे भी। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा मिले कि 6 मोलल विलयन, तो 6 मोलल विलयन का अर्थ हो जाएगा कि विलेय, यहाँ विलयन छूट गया है, तो 6 मोलल विलयन का अर्थ हो जाएगा कि आपके पास ऐसा विलयन है जिसमें विलेय के 6 मोल घोले गए हैं और कितने विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए हैं। अब 6 के जगह पे कोई भी नंबर हो तो उतना जितना रहेगा, जैसे मान लीजिए आप 10 हो जाए तो 10 मोलल सोल्यूशन होगा, तो उसका मीन्स हो जाएगा कि विलेय के 10 मोल 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको प्रश्न लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं मोलालता का मात्रक, यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो मोलालता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। हम लोग जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है, विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो उसका मात्रक केजी ही होगा। तो इसलिए हम मोलालता का यूनिट लिखेंगे मोल पर किलोग्राम। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोल पर किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट में स्मॉल एम लिखेंगे और उसको मोलल पढ़ेंगे। तो हम लोग मोलालता को जब भी व्यक्त करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग पूरा यूनिट भी लिख सकते हैं या केवल मोलल लिखकर भी या स्मॉल एम लिखकर भी काम चला सकते हैं या छोड़ सकते हैं।